नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारण और आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज। और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये है दड़बाग गांव की। हमारे साथ जो नव निर्वाचित सरपंच है संतोष बेणीवाल जी, और आपको बता दें कि नंदलाल जी ठेकेदार हैं, उनकी धर्मपत्नी है, जिनको गांव दड़बा की जो सरपंच बनी है, ग्रामवासियों ने इतना बड़ा जो फैसला दिया है इनके पक्ष में, तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कुछ कहती है। सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत बधाई होगी, आप दड़बा जो राजनीतिक गढ़ है उस गांव की सरपंच बनी है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने का। और मैं जो गांव ने मेरे को प्यार और सम्मान दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं सब कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। और जो विश्वास आज उन्होंने मेरे पे बनाया है, मैं उस विश्वास पे खरी उतरूंगी। मतलब दो दिन हो गए जी फैसला आए हुए, मतलब जिस तरह से लोगों ने फैसला लिया है, आपको सरपंच बनाया है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं गांव को, गांव कहीं ना कहीं विकास में चर्चाएं रही पिछड़ा रहा, तो ये क्या दिमाग में पहली उपज क्या है कि कैसा फैसला पहली कलम से गांव के लोगों के लिए लेंगे? पहली कलम से तो जी मेरा नशा मुक्ति का है सबसे पहले, तो जो आज के नौजवान युवा है वो सबको बताया कि नशे की तरफ काफी है, तो मैं जो भी ज्यादा से ज्यादा सहायता है उनकी मैं करूंगी, और शक्ति के साथ उनका निचोड़ निकाल के मैं जो भी होगा उनको करूंगी। क्या लोग ये उम्मीद करें कि दड़बा गांव की चर्चाएं थी कि वही विकास नहीं हो पा रहा है, इतना बड़ा राजनीतिक गांव है, उन सारे जो आरोप हैं उनको संतोष बेणीवाल उन तक खत्म कर दें? हाँ जी, मैं जो भी दड़बा गांव के हैं, जो भी मेरे सपोर्ट में खड़े हैं आज, और उन्होंने जो विश्वास के साथ मेरे को विजयी बनाया है, आज मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे को बेटी का नहीं, बहू का नहीं, एक बेटी का दर्जा दिया है उन्होंने, तो मैं हर समय उनके जो भी जो मेरे वो है एजेंडा जो है मेरा, उनसे खरी उतरूंगी, और कोई भी समस्या है गांव की तो उसका समाधान भी करूंगी। संतोष जी, एक दिन पहले भी मेरा ये सवाल था कि आप इतने बड़े राजनीतिक गांव की सरपंच बनी है, इस क्षेत्र की बेटियों की अगर बात करें तो शिक्षा में उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है, संसाधन नहीं है, कॉलेज नहीं है, साधन नहीं रुकते होंगे, क्या संतोष बेणीवाल की प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र में कोई संस्थान सरकार से अप्रूवल करवाया जाए? हाँ जी, मेरा हर समय प्रयास रहेगा कि जितने भी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, मैं घर घर जाके उनसे मिली हूँ, तो लड़कियों ने मेरे को जैसे लाइब्रेरी वगैरह की समस्या भी बताई है, और पढ़ाई के लिए जैसे जाती हैं तो उनको समस्या होती है, तो मैं स्कूल बस वगैरह लगाने। आप देखते रहे बेधड़क हरियाणा न्यूज, मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन ध्वनि शर्मा के साथ, धन्यवाद।